आज द बॉटनिस्ट चैनल की तरफ से आप लोगों को एक ऐसे कीमती और औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है चंदन, जो आपको आर्थिक रूप से भी समृद्धि बनाएगा और दवा के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यह जो आप पौधा देख रहे हैं, इस चंदन का पौधा है, इसका विकास 10 से 15 साल में हो जाता है। एक पौधे करीब 20 से 40 किलो का होता है। प्रति किलो चंदन का अभी के डेट में बाज़ार भाव 5,000 रुपये पर केजी है। तो एक पौधा 20 से 40 किलो तक का होता है, केजी का मतलब एक पौधा की कीमत 1 से 2 लाख के बीच हो जाता है 10 से 15 साल में। इसका उपयोग औषधि के रूप में, इसके तेल का उपयोग वैसलीन में 1-2 बूंद इसका तेल मिलाकर और चर्म रोग पर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है, तथा इसमें जो पौधे जो होते हैं चंदन के, ये जब तैयार होते हैं तो इसमें 2 तरह के लकड़ी होते हैं, एक मुलायम और एक कड़ा। तो इसमें जो पुराने मिट्टी पर अधिकतर चंदन होते हैं उसमें जल्दी से अधिक से रसदार लकड़ी होते हैं। मुलायम का उपयोग तिलक करने में होता है और कड़े लकड़ी का उपयोग अन्य काम में होता है। लेकिन जब ये पौधा बिकता है तो इसको जड़ सहित सभी लोग उखाड़ लेते हैं, क्योंकि जड़ काफ़ी सुगंधित हो जाता है। अब मैं आपको इसके बीज के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। इसका बीज, ये जो देख रहे हैं, ये चंदन का बीज है। यह 24 आवर बुआई करने के 24 आवर पहले पानी में फुला देते हैं अच्छी तरह। उसके बाद जहाँ पर पानी न लगे पर 2 दिन पर, 1 दिन पर पानी हल्की हल्की डालते रहें, तो इसमें 3 से 4 से 6 सप्ताह में इसमें अंकुरण आ जाता है और यह पौधा अंकुरित हो जाता है। यह एक पारासाइटिक पौधा है, अतः इस पौधे के जब भी रोपाई करें तो 7 फीट पर से 10 फीट के बीच करें, और एक हर 3 चंदन के हर 3 पेड़ के बाद एक नीम का पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि चंदन की वो पैरासाइटिक उसके जड़ में घुसकर, चंदन का जड़ उससे भोजन लेते हैं, या आंवला का पेड़ लगाएं तो भी भोजन मिलता है। दूसरे पपीता का भी पेड़ लगा सकते हैं जब छोटा हो तब, और उसका आप पैरासाइट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह एक पैरासाइटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट के जड़ में अपना जड़ घुसाकर उससे भोजन प्राप्त करता है। इसको अधिक खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आपको इसके बुआई के बारे में, इस तरह इसके पहले इस तरह हल्का हल्का मिट्टी को कुरेद दें, खरपतवार को अलग कर लें, इस तरह से करके इसके बीज को इस प्रकार से छींट दें। पर 2000 तक बहुत करा नियम था चंदन को रोपने के लिए। अगर ये घर के अगर जो पिछवाड़े में होता तो उसका मालिकाना आपको हक नहीं होता। और उसके अलावे एक और नियम था, चंदन के चोरी हो जाने पर आपको वन विभाग का हिसाब देना पड़ता। इस प्रकार ये बीज इस तरह रोप कर इसको ऊपर से मिट्टी से ढक दें तो यह खुद ब खुद 4 से 6 सप्ताह के बीच अंकुरित हो जाएगा। इसके लिए आपको लोन की भी व्यवस्था है। यह पौधा आपको करोड़पति बना सकता है। अगर जो ये इस तरह इसके बुआई कर दें
और इसके बाद अब यह पौधा जब तैयार होगा, इसमें अंकुरित जब होंगे तो इस तरह का, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पौधा यहाँ बगल में अंकुरित हो रहा है, और ये जब अंकुरित होगा तो इस तरह का पौधा उनके तैयार होगा। जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।